चुनाव निपटने के साथ ही उत्तराखंड में लोगों को बिजली का करंट लग सकता है। जी हां, उत्तराखंड में बिजली की दरों में एक बार फिर से बढ़ोतरी होने जा रही है। बिजली की दरों में बढ़ोतरी का प्रस्ताव भेजा गया है। यूपीसीएल ने 4.5% बिजली की दरों में बढ़ोतरी का प्रस्ताव भेज दिया है, जिसके बाद नियामक आयोग बिजली की दरों में बढ़ोतरी का फैसला लेगा। 26 तारीख जनसुनवाई के बाद इस पर फैसला लिया जाएगा। 1 अप्रैल से नई दरें लागू हो सकती हैं। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में फायर सीजन शुरू हो गया है। ऐसे में वन विभाग ने जंगलों में आग पर काबू पाने के लिए अभी से मशक्कत शुरू कर दी है। वन विभाग जंगलों की आग से निपटने के लिए खुद को तैयार बता रहा है। इस बार खास बात यह है कि आग लगने की सूचना वन कर्मिकों के साथ साथ ग्राम पंचायतों के सरपंच और ग्राम प्रधानों के मोबाइल फोन पर भी SMS के जरिए मिल पाएगी। हर हफ्ते फायर अलर्ट का फीडबैक भी दिया जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि प्रदेश में क्रूज स्टेशन पर कर्मचारियों की तैनाती कर दी गई है। प्रदेश में 1317 क्रूज स्टेशन भी बनाए गए हैं। इसके अलावा प्रदेश में 40 मॉडल क्रूज स्टेशन भी तैयार किए गए हैं। तृतीय केदार से विश्वविख्यात भगवान तुंगनाथ धाम अभी भी बर्फ से ढका हुआ है। मंदिर में 5 से 6 फीट तक बर्फ जमी हुई है। इतनी बर्फ के बावजूद कुछ लोग तुंगनाथ धाम तक पहुंच रहे हैं। हालांकि तुंगनाथ भगवान के कपाट बंद है, बावजूद इसके पर्यटक यहां पहुंचकर बर्फबारी का आनंद लेकर बाबा का आशीर्वाद ले रहे हैं। तुंगनाथ धाम समुद्र तल से 13,000 फीट की ऊंचाई पर है। ये पंच केदारों में एक केदार है और सबसे ज्यादा ऊंचाई पर भी मौजूद है। वही कोटद्वार में नेशनल हाईवे 534 पर गुमखाल के पास एक कार गहरी खाई में जा गिरी। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि कार में सवार सभी शिक्षक थे। बड़ा हादसा हुआ पौड़ी मार्ग पर। ये लोग 500 के 500 टीचर थे, वैगनार गाड़ी से जा रहे थे। ये कोटद्वार से चले थे, डेली अप डाउन करते थे, गुमखाल में पढ़ाने के लिए जाते थे। और इस बैंड पे इनका अचानक जो ड्राइवर घायल है, इसमें टोटल 5 टीचर थे, जिसमें कि 3, 2 लेडीज 1 जेंट्स की डेथ हो चुकी है तथा 1 टीचर गंभीर रूप से घायल है। और जो ड्राइविंग कर रहे थे वो कुछ ठीक है, तो उनका बताना है कि मेरे एक्सीलेटर उसकी जगह ब्रेक की जगह एक्सीलेटर दब गया। उधर मसूरी में एक कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई। हादसे में एक कार सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। बताया भी जा रहा है कि युवक नशे की हालत में कार ड्राइव कर रहा था। दोनों युवक दिल्ली के रहने वाले थे और मसूरी घूमने के लिए गए थे, इसी दौरान यह हादसा हुआ।